हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव तलथिया और आपकी हेल्प करने के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ईमानदारी से देख लेना, आई गारंटी यू आपके चेहरे पर होगी स्माइल और आपका एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, कलर करता हूं थोड़ा चेंज ताकि आपको मज़ा आए। चलो दोस्तों, एक बढ़िया सा ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें दिया है कॉसेक बी बराबर 3/2, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉट बी साइन बी। क्या लिखा है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉट बी साइन बी। तो इसको दोस्तों कैसे निकालते हैं, इसका सिंपल तरीका होता है कि आपको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, एक ट्राइंगल। कलर करता हूँ छोटा ताकि आप समझ पाएँ, एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा आपको, है ना। ऐसा ट्राइंगल बना लिया आपने। अब इसमें क्या बोला, कॉसेक बी बोले तो 3/2, साइन क्या होता है दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। वो भी कैसे याद रखते हैं वो भी बताता हूँ मैं आपको। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ऐसे याद किया था मैंने ये ट्रिक बना के, है ना। तो ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन, और नीचे हो गया साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा ये वाले का हो गया सेक, और टेन का उल्टा हो गया दोस्तों कॉट। समझ में आया, ये आपको रटना पड़ेगा। देखो फिर से बताता हूँ कलर चेंज करके ताकि आप समझ पाएँ, है ना। देखना, ये पंडित बद्री, फिर से शुरू कर दे रहा हूँ ना ताकि आप समझ पाएँ। देखो क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये ऐसे करके आपने टेबल बना लिया, ये रट लो बिल्कुल। तो एक तरह मैंने भी बहुत मेहनत से रटा था, मेरे को याद हो गया पूरा। अब मैं रॉक कर देता हूँ। तो ये वैल्यू दोस्तों साइन थीटा की, है ना। ये है साइन के बाद कॉस, और ये है दोस्तों टेन। देखो क्या आ गया, हाँ ये टेन की वैल्यू है, टेन थीटा की, और साइन का उल्टा हम जानते हैं तो कॉसेक थीटा की ये हो गई। कॉस का उल्टा सेक होता तो सेक का उल्टा, मतलब कॉस का उल्टा सेक ये हो जाएगा, टेन का उल्टा कॉट ये हो जाएगा। मतलब साइन थीटा किसी ने बोल दिया तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस करेंगे, लेकिन किसी ने कॉसेक बोल दिया तो हाइपोटेनस बाय, कलर करता हूँ चेंज, किसी ने कॉसेक बोल दिया तो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर करेंगे, किसी ने बोल दिया भाई साहब गौरव तलथिया सेक थीटा की वैल्यू बताओ, तो मतलब कॉस की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन किसी ने बोल दिया सेक थीटा, तो मैं पहले करूँगा हाइपोटेनस बाय बेस। किसी ने बोल दिया गौरव भाई टेन थीटा की वैल्यू बताओ, तो मैं बोलूँगा पंडित बद्री प्रसाद मतलब पी बाय बी, तो पी बाय बी अपनी आ गई टेन की वैल्यू। लेकिन किसी ने बोला गौरव भाई कॉट थीटा की वैल्यू बताओ, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं जानता हूं कि टेन की वैल्यू होती है पी बाय बी, तो कॉट की जस्ट उल्टी होती है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये इंपॉर्टेंट, अगर आपको याद है तो आप रॉक कर दोगे। चलो अब बताते हैं खेल। खेल ये है दोस्तों, आपने बढ़िया से एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है। इसमें लिया कॉसेक, कॉसेक क्या होता है आप जानते हैं, साइन जानते हैं। मैं क्या करता हूँ कॉसेक, कॉसेक मतलब मेरे दिमाग में आया साइन, साइन को मैं पहचानता हूँ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, लेकिन ये कॉस है तो इसका मतलब हुआ ये हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर होगा। तो हाइपोटेनस हमेशा दोस्तों ये बड़ी साइड होती है, इसलिए यहाँ लिख देंगे तीन, और परपेंडिकुलर मतलब ये होती है, इसको लिख देंगे दो। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम जानते हैं कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर से निकालते हैं, तो मैं क्या करूँगा इसको, मैं इसको तीन का स्क्वायर दिखाता हूँ। ये देखो, ये तीन का स्क्वायर माइनस ये टू का स्क्वायर यहाँ करूँगा तो क्या होगा, तीन तिरका नौ, दो दूनी चार, तो ये हो जाएगा ऐसा रूट फाइव, क्योंकि अंडर रूट फाइव, क्योंकि हाइपोटेनस का स्क्वायर यहाँ चढ़ जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो आएगा अपना रूट फाइव। अपने जैसे रूट फाइव अपना आंसर आया, इतना अपन ने लिख लिया। अब इसको याद रखिएगा दोस्तों, टेबल को मैं मिटा रहा हूँ इसको। अब सीधा सीधा पूछ लिया व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉट बी साइन बी। तो कॉट क्या होता है दोस्तों, हम जानते हैं टेन का मतलब होता है पी बाय बी, लेकिन कॉट पूछा है तो हम कर देंगे बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है, और इनटू में है ये इनटू में। साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है। अब दोस्तों बस फटाफट वैल्यू रख दो। बेस क्या था दोस्तों आपका, बेस आपका आया था रूट फाइव, याद है आपको, बेस आया था आपका रूट फाइव, और परपेंडिकुलर क्या था अपना, परपेंडिकुलर आपको पता था तीन है, इनटू में परपेंडिकुलर क्या है ये तीन है, और अपना हाइपोटेनस क्या है दोस्तों, हाइपोटेनस अपना हाइपोटेनस क्या निकला था, वो भी तीन निकला था, ठीक है। तो बस तीन से तीन कट गया, तो रूट फाइव बाई थ्री आंसर होगा इसका। तो देखो ये आंसर दोस्तों, ये है ना, ये आंसर रूट फाइव बाई थ्री इसका आंसर है। तो इसको समझ लो हमेशा, अभी ये कॉस में क्वेश्चन दिया है, कॉसेक में दिया, अगली बार सेक पूछ लेगा, अगली बार टेन पूछ लेगा, अगली बार कॉट पूछ लेगा, इस तरीके से पूछ के आपको बस वो ट्राइंगल यूज़ करके आपको आंसर लाना है, और फिर आखिरी में ये पूछेगा। अभी जैसे उसने कॉट साइन पूछा, बाद में बोलेगा वो सेक थीटा बताओ, सेक थीटा पूछ लेगा, टेन थीटा पूछ लेगा, कॉट थीटा पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा, इतना याद रखोगे। अब एक दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ, ये भी बहुत बार आता, थोड़ा जूम कम करता हूँ। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये डीआई का क्वेश्चन है, हर बार आता है, ध्यान से देखिएगा, लगता है स्पीड बढ़ा लीजिए। एक ऐसी वैल्यू आएगी, इसमें साफ साफ लिखा रहेगा कि जे वन निकालना है, तो जे वन क्या होता है, ताकि वो डराए आपको कि और इतना बड़ा स्टेटमेंट कैसे कोई पढ़ेगा, तो बच्चे लोग डर जाते हैं। तो जे वन की वैल्यू इसमें लिखा है द
टोटल फॉरेन ट्रेड बाय कंट्री ए इन ऑल द फाइव ईयर्स। कंट्री ए कौन सी दोस्तों, ये आप देख रहे हो, ये सफ़ेद वाली, तो सफ़ेद वाली जितनी भी वो कंट्री है तो इनका टोटल पूछा है, तो 170, 150, 75, 65, 35 करोगे तो जो भी आंसर आएगा वो आपने कुछ भी लिख लिया, मान लो 500 आया आपका आंसर, ठीक है मान लो। और आगे क्या पूछा है दूसरा, इतना आपने J1 निकालिए, ये आपका J1 निकल गया। इसी तरीके से आप J2 कैसे निकालोगे, J2 में पूछा द फॉरेन ट्रेड बाय कंट्री बी इन ऑल द फाइव ईयर्स, तो कंट्री बी कौन सी है, डार्क वाली है, तो सारे डार्क वाले ऐड कर दो, 45, 105, 195, 175, 90, जो भी आंसर आएगा, जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया था 500 और J2 वैल्यू क्या आई, ये समथिंग समथिंग आई, उसकी वैल्यू आई 400, है ना, तो काट दो जो कट जाएगा 5/4 आ जाएगा इस तरीके से। तो आंसर बता रहा हूँ पैटर्न यही है। तो बस अभी इसने क्या किया है, तो आपको जब J2 आखिरी में क्या पूछ लिया, देखो आखिरी में पूछ लिया उसने J2 माइनस J1 करना है, तो कई बार जल्दी जल्दी में लोग क्या करेंगे, पहले उन्होंने J1 निकाला बाद में J2 निकाला, तो वो क्या करेंगे J1 माइनस J2 कर देंगे, लेकिन आंसर आ जाएगा लेकिन गलत आएगा, इसलिए ध्यान रखना है कि पूछा क्या उसने। तो J2 माइनस J1 पूछा, कल के दिन वो ऐसा पूछ सकता है J2 माइनस J1 बाय 2 बताओ, है ना, ऐसा लिख के दे देगा J2 माइनस J1 बाय 2 बताओ, तो फटाफट अपन को एवरेज भी निकालना पड़ेगा उसका। तो एक और कैच ये है दोस्तों जो मैंने देखा था, मेरा गलत भी हुआ था, मैं फिर से बताऊँगा। अभी उसने J1 पूछा है, सीधा टोटल फॉरेन ट्रेड पूछा है, J2 में भी टोटल पूछा है, अगली बार अगर उसको खेलना है या टफ बनाना है या कंफ्यूज करना है, वो क्या करेगा J1 की वैल्यू में टोटल की जगह लिख देगा द एवरेज ऑफ द टोटल फॉरेन ट्रेड बाय कंट्री ए। तो एवरेज का मतलब पूरा कहानी चेंज हो गई, कहानी का चेंज मतलब यह है कि जितना भी आप टोटल करोगे, जैसे J1 का मतलब ये ए का 170, 150, 75, 65, 35, ये टोटल करने के बाद आपको एवरेज भी निकालना है, तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 5 टर्म है, 1, 2, 3, 4, 5, तो डिवाइड बाय 5 भी करना पड़ेगा अगर उसने एवरेज पूछ लिया तो। और कहाँ से खेलेगा वो, अगर यहाँ उसने एवरेज पूछ लिया ना, तो यहाँ आप सोचोगे इसका भी एवरेज पूछा होगा, लेकिन यहाँ से वो टोटल पूछेगा जो कि उसने अभी लिखा है ना, द फॉरेन ट्रेड बाय कंट्री बी इन ऑल द ईयर्स, तो टोटल पूछ लिया यहाँ, लेकिन यहाँ एवरेज पूछ लिया, तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि कहाँ एवरेज पूछा है, कहाँ टोटल पूछा है, कहाँ उसका है ना कुछ भी मतलब डिफरेंस पूछा है, ध्यान रखना। कई बार वो और क्या करेगा, J1 की वैल्यू की जगह वो क्या कर देगा, डिफरेंस निकाल दो, है ना, J2 और J1 का डिफरेंस पूछ लेगा, एवरेज पूछ लेगा, इस तरीके से वो थोड़ा सा स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना आप, बस आपकी यही हेल्प करनी मुझे, क्योंकि मेरा क्वेश्चन सीधा गलत हुआ था। एक बंदे ने J1 की वैल्यू में उसने पूछ लिया मेरे को एवरेज, और J2 की वैल्यू में सिर्फ टोटल प्रोडक्शन, तो मैंने दोनों का एवरेज निकाल दिया और सॉल्व कर दिया, मेरा आंसर गलत हो गया। बाद में मैंने देखा, मैंने कहा अरे यार ये क्या हुआ, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो वाले क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा जो मेरा गलत हुआ था। ओके, और दोस्तों क्या है आपके लिए एक बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूँ 19 वाला, ये देखो, एट व्हाट रेट, है ना, एट व्हाट रेट कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम विल सम ऑफ रुपीज़ 1000 बिकम 1060.90 इन 2000। मतलब सिंपल सा है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, 1000 रुपये, 1060.90 होगा 2 साल में, तो उसका कितना रेट रहेगा, कितने परसेंट पर रहेगा वो, तो इसका आंसर आप बताइए कैसे सॉल्व करेंगे, और बस मुझे यही पढ़ाना था आपको। थैंक यू सो मच गाइस, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, मैं आज ऐसे ही शानदार प्यारे वीडियो लाऊंगा जिसमें थोड़ी सी हेल्प जरूर करूंगा मैं आपकी, ये गौरव तिलथिया का वादा है। चलो दोस्तों, थैंक यू सो मच, अंटिल वी मीट अगेन, गौरव तिलथिया signing off, love you all, bye।